बड़े ही धूमधाम के साथ राठौर परिवार ने माता रानी का विसर्जन किया और 9 दिन माता की स्थापना कर पूजा अर्चना की। आगरा में बड़े ही धूमधाम के साथ माता रानी के 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना कर बड़े ही धूमधाम के साथ राठौर परिवार ने नवरात्रि का त्योहार मनाया। राठौर परिवार के द्वारा माता रानी के 9 दिन माता की स्थापना की गई। 9 दिन पूजा अर्चना के बाद विजयदशमी के दिन माता रानी को नीलकंठ महादेव पर यमुना घाट पर नम आंखों से विदाई दी गई। माता रानी को विदा करते समय सभी की आंखें नम थी। सभी बस यही कह रहे थे कि माता रानी अगले साल तुम फिर जल्दी से आना और हम लोगों पर अपनी कृपा बरसाना। वहीं नम आंखों के साथ राठौर परिवार की महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन के साथ माता रानी को विदा किया गया। इस दौरान राठौर परिवार के समस्त लोग मौजूद रहे, जिसमें मोहित राठौर, केशव राठौर, कमल राठौर, पवन राठौर, अमर राठौर, शिव कुमार राठौर, अज्जी राठौर, मुकेश राठौर, उमेश राठौर, श्रीमती लक्ष्मी राठौर, यश राठौर, श्री प्रवेश कुमार राठौर और राठौर परिवार के मुखिया श्री संतोष कुमार राठौर आदि उपस्थित रहे। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी माता रानी को विदाई दी। बच्चों में मनन राठौर, शिवन्या राठौर, राहुल राठौर, प्रिंस राठौर आदि बच्चे उपस्थित रहे। साथ ही नीलकंठ महादेव घाट पर तमाम श्रद्धालु अपनी अपनी माता रानी के साथ माता को अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए थे। बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए माता रानी को विदाई दी गई। बाबूजी, नाम क्या है आपका? बाबूजी, आपने जो 9 दिन माता रानी की स्थापना की है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तो बाबूजी, कितने साल से आप ये माता रानी को स्थापित करते आ रहे हैं? करीब 10 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा बाबूजी, आपने माता रानी को विदाई दी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुख हुआ जी, लेकिन ये ना जो संस्कार है, जो चल रहे हैं, परंपरा चल रही है, वो तो पूरी करनी ही करनी है। लेकिन माता रानी को हमारे सदा हमारे दिल के अंदर विराजमान है। तो बाबूजी, अगले साल भी आप माता रानी का इसी तरह से स्वागत करने वाले हैं? स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हर एक के माँ दिल में बसी हुई है, तो हर आदमी तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद बाबूजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित राठौर। मोहित, आपने आज विजयदशमी के दिन माता रानी को विदाई दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमें अभी थोड़ा सा दुख हो रहा है। हमारे बीच से माता रानी विदाई हो गई। हमने जो 9 दिन उनके साथ बैठ के भजन कीर्तन जो आनंद लिए थे, वो उसके साथ हमारा मन नहीं लग रहा है। तो अगली साल कृपा रहेगी माता रानी की, फिर दोबारा हमारे पास लौट के आएंगे हमारे बीच, और फिर जोर से हम उत्सव की तैयारी करेंगे।